नमस्कार, मैं संतोष शर्मा बैंगलोर से बोल रहा हूँ। आज हम चर्चा करेंगे इस हनुमान चालीसा के बारे में। हनुमान चालीसा आप तो पढ़ते होंगे, जानते होंगे इस संबंध में, तो शायद आपको लगे कि हनुमान चालीसा के बारे में चर्चा करने की ज़रूरत है क्या है, हमको सब कुछ तो मालूम है। लेकिन मेरी ये आपसे विनती है कि आप थोड़ा समय निकाल कर इसके बारे में ज़रूर सुने, इसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करें, क्योंकि हनुमान चालीसा पढ़ते तो हैं लेकिन इसका जो संपूर्ण फल हमको मिलना चाहिए, इसका संपूर्ण फल हमको मिलता नहीं है, क्योंकि इसके पढ़ने के जो तौर तरीके हैं, इसके जो नियम कानून हैं, जो पाबंदियां हैं और किस प्रकार से इसको पढ़ना चाहिए, इसके संबंध में जानकारी पूर्णतः अवेलेबल नहीं है। इसके कारण इसका पूरा जो फल आपको मिलना चाहिए, 100% मिलना चाहिए, वो मिल नहीं पाता है। इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए पहली बात तो है कि थोड़ा सा समय निकालें, बैठें, इस वीडियो को देखें, समझें, परखें, समझ में आता है तो इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने संबंधियों के साथ में, और यदि आपको लगे कि आप का कुछ हित में इसमें नहीं है तो इस वीडियो को आप इग्नोर भी कर सकते हैं बाद में, लेकिन एक बार सुने और परखें और देखें। पहली बात तो यह है कि आप हनुमान जी के बारे में क्या जानते हैं, हनुमान कौन थे, और हनुमान जैसी शक्तियों की परिकल्पना क्यों की गई, क्या हनुमान वास्तव में थे या नहीं थे, चर्चा का विषय यह नहीं है। चर्चा का विषय यह है कि हनुमान शक्ति किस प्रकार के शक्ति के परिचय का हनुमान, इसके समझने की जरूरत है। जैसा हम जानते हैं कि हनुमान एक वानर की शक्ति, ऊर्जा और एक इंसान की बुद्धि और ज्ञान का समन्वय थे। हम सभी का उद्गम पशु योनि से उत्तरोत्तर उन्नति करते हुए, हमारा सोल का विकास होते हुए, आत्मा का विकास होते हुए हम यहां तक पहुंचे हैं। तो हनुमान जी के बारे में ये समझ लें कि हनुमान एक ऐसी शक्तियों का मिश्रण है जो कि सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, फाइटिंग स्पिरिट, वेलोर स्ट्रेंथ, फियरलेसनेस, अदम्य साहस और भयशून्यता का परिचायक है। हनुमान भक्तिमत्ता, गुणवत्ता, ज्ञान के परिचायक हनुमान। तो हनुमान जी के चालीसा पढ़ने से, जो कि तुलसीदास द्वारा रचित की गई थी हनुमान चालीसा, जो कि नॉर्मली इस पुस्तक रूप में लोग इस्तेमाल करते हैं, पढ़ते हैं, करीबन 1600 शताब्दी में, करीबन 500 साल पहले, तो ये बहुत प्राचीन चालीसा नहीं है, ये अभी का है लिखा हुआ। तो इसके कुछ कानून कायदे हैं पढ़ने के, जैसे जो शुरू होता है, एक दोहा से शुरू होता है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दी हूँ मोहूँ हरो क्लेश विकार। तो इसमें ये चौपाई पहले, बाद में पढ़ने से पहले ये बहुत जरूरी है कि आप दोहा को पहले समझें, क्योंकि दोहा जो है एक इंट्रोडक्शन है, जैसे कोई द्वार हो, डोर हो, कोई मंदिर में प्रवेश करने से पहले, जैसे एक गरुड़ स्तंभ होता है, गर्भगृह जाने से पहले एक मंडप होता है, तो प्रवेश से पहले जो स्वागत कक्ष है, जहाँ की आपके ब्रीफिंग की जाती है, जैसे आपके बड़े आदमी से मिलने जाते हैं, तो पहले आपको स्वागत कक्ष में बिठाया जाता है, फिर आपकी ब्रीफिंग होती है, समझाया जाता है, कुछ फॉर्म फिलअप करना पड़ता है आपको। तो उसी प्रकार से ही हनुमान चालीसा के जो चौपाई वगैरह हैं उसको पढ़ने से पहले ये दोहा को पहले समझ लें। दोहा है प्री कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन जैसे कहता हूँ मैं, कि इसको पहले समझ लेंगे तो चौपाई पढ़ने का फल आपको प्राप्त होगा। तो ये बहुत जरूरी है कि पहले दोहा को समझा जाए। दोहा में ये कहते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, इसका मतलब
समझना बहुत बहुत जरूरी है। ये कह रहे हैं कि जो आपके गुरु हैं, गुरु कौन है, जो आपको स्पिरिचुअल जो रास्ता है, ऐश्वरिक जो रास्ता है, उसके बारे में आपको बताएं, आपको गाइड करें, आपको आपके आपको शंकाओं को दूर करें और आपको इस मार्ग में चलने में सहायता करें। वो होते हैं गुरु। गुरु का मतलब शिक्षक नहीं है, टीचर नहीं है, जो कि गवर्नमेंट से या कोई ऑर्गेनाइजेशन से तनख्वाह पे काम करते हैं, कोई सिलेबस के हिसाब से किताबें पढ़ाते हैं। तो टीचर और गुरु में बहुत भेद है। टीचर तो अपने अर्थोपार्जन के लिए, परिवार के भरण पोषण के लिए काम करते हैं, वो टीचर है। लेकिन गुरु जो है स्वतंत्र है। गुरु की बारे में क्या कहें, जैसे कबीर जी कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, भले हरि गुरु आपने गोविंद दो बताए। आप जानते हैं इसके बारे में कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हुए हैं और मैं इस संसार में पड़ा हुआ हूं कि मैं किसके पैर पहले छू। तो गोविंद ही मुझे कहते हैं कि पहले गुरु के पैर छू लो, क्योंकि गुरु ही आपको रास्ता बताए हैं। गुरु बिना कौन बतावे बाट, रास्ता कौन बताएगा गुरु के बिना। तो गुरु की महिमा तो अपार है, आप सब जानते हैं। तो गुरु आपको बताते हैं जिंदगी के बारे में, गुरु बताते हैं आपको, रास्ता बताते हैं आपको, फॉर्मूले बताते हैं किस प्रकार से जीवन शैली होनी चाहिए, किस प्रकार से जीवन यात्रा सफल होगी आपकी, किस प्रकार से दुखों से निजात मिलेगी आपको, किस प्रकार से आपको खुशी हासिल होगी, धन संपत्ति की प्राप्त होगी, घर परिवार की शांति प्राप्त होगी, सुख प्राप्त होगा। तो इसके बारे में गुरु ही आपको देता है गुरु। इसलिए गुरु की जो गरिमा है, जो महिमा है, वो अपार अपार है। गुरु वो है जो गुरु है, मतलब भारी है। गुरु भारी भी है, गुरु अदृश्य भी है। आप जानते हैं गुरुत्वाकर्षण के बारे में, ग्रेविटेशनल फोर्स को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण, गुरु का तत्व का आकर्षण। यदि गुरु का तत्व का आकर्षण ना हो तो हम धरती में जो टिके हुए हैं, चल पा रहे हैं, हम नहीं चल सकते हैं, हम उड़ जाएंगे हवा में, कहीं गायब हो जाएंगे। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण हम धरती से जुड़े हुए हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण ही हमारा शरीर इस धरती पे जुड़ा हुआ है। वो भी शब्द गुरु से बना हुआ है। गुरु का मतलब भारी भी है, गुरु का मतलब शक्ति भी है। गुरुत्वाकर्षण की बात हम कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की हम बात कर रहे हैं। तो गुरु की गरिमा, गुरु की महिमा, गुरु का गुरुत्व, इसकी बारे में ज्यादा क्या कहूं, आप तो जानते ही हैं। तो गुरु के चरण के जो रज हैं, जो कि जो चरण जो है कि सरोज के समान है, सरोज मतलब लोटस। हम सभी देवी देवताओं के चरण को कमल चरण कहते हैं। उनका जो रज है, मतलब जो उनकी मिट्टी है, उस मिट्टी में ही इतनी एनर्जी है, इतनी शक्ति है कि इसके द्वारा ही आपके मन के चारों तरफ का जो संशय है, जाले हैं, वो मिट सकते हैं। और क्या होगा उससे, निज मन मुकुर सुधार। खुद के मन के जो मुकुर है, मिरर, दर्पण जो है, उसको सुधारो, उसको साफ कर लो। अपना मन का मुकुर, अपना मन का दर्पण से ही हम समग्र संसार सृष्टि को देखते हैं। जिस प्रकार से हम सोचते हैं सृष्टि और कायनात, हमें वैसे ही लगती है। यदि मन खुश है तो वही चांद सितारे बहुत अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं, मन में प्यार जगाते हैं। और वही चांद बड़ा उदास लगता है जब हम उदास होते हैं। उस चांदनी में ही तपन होती है, शीतलता खो जाती है। ये सब मन का खेल है। समग्र संसार हमारा मन का खेल है। जिस प्रकार से हम सोचते हैं, विचारते हैं, धारणा रखते हैं, तो उसी प्रकार से ही हमारे चारों तरफ का वातावरण निर्मित होता है। और ये जो हम झूठे मूठे ज्ञान लेकर हम समझते हैं कि हम बहुत बड़े पंडित हो गए हैं और ज्ञानी हो गए हैं, समझते हैं, है नहीं। कुछ किताबों को पढ़ लेने से, जान लेने से या कुछ सुन लेने से कोई ज्ञानी नहीं होता है। उसको हम ज्ञान नहीं कहते, उसको कहते हैं नॉलेज, नो जानकारी। जिस पेपर से कुछ पढ़े आप जानते हैं अंटार्कटिका के बारे में, आप अंटार्कटिका कभी गए नहीं है, हिमालय के बारे में पढ़ लिया, कभी वहाँ गए नहीं है, आपको पता नहीं है।
बद्रीनाथ धाम के बारे में पढ़ लिया, स्विट्जरलैंड के बारे में पढ़ लिया, अमेरिका के बारे में पढ़ लिया, चीज़ों के बारे में पढ़ लेने से नॉलेज इकट्ठा तो हो सकती है, टीवी में देखने से कुछ आइडिया तो हो सकता है, लेकिन आपका अनुभव उसमें नहीं है। जैसे आप संतरण के बारे में, स्विमिंग के बारे में किताबें पढ़ सकते हैं और स्विमिंग के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, जानते हैं कि स्विमिंग पूल का कितना लेंथ है, ब्रेड्थ है, किस किसने कितने मेडल जीते हुए, आप बहुत कुछ घंटों घंटों बोल सकते हैं स्विमिंग के बारे में। वैसे ही हवाई जहाज़ चलाने के बारे में आपके पायलट की किताब खरीद लें, पढ़ लें, या हवाई जहाज़ के बारे में आप टेक्निकलिटीज़ के बारे में सब कुछ जान लें, पढ़ लें, लेकिन क्या उससे आप एक पायलट बन सकते हैं? पायलट बनने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, एक इंस्ट्रक्टर के पास जाना पड़ेगा, एक गुरु के पास जाना पड़ेगा, तभी तो आप सीख पाएंगे, जान पाएंगे। यदि आप पहले से कहते हैं मुझे सब कुछ तो मालूम है, मैं सब कुछ जानता हूँ, तो फिर आप कैसे सीख पाएंगे? तो सरेंडर करना पड़ेगा पहले आपको, अपने जो गर्व है, ईगो है, उसको एक साइड में करना पड़ेगा, तभी आप गुरु के पास जा सकते हैं, तभी आप गुरु कुछ दे सकता है, सीख सकते हैं। यदि अहंकार आपके मन में इतना है तो अहंकार आड़े आएगा, आप गुरु को तो सरेंडर कर नहीं सकते। आप छुएंगे पाँव लेकिन छुएंगे नहीं, क्योंकि आपको अपने बारे में जो धारणाएं हैं, जो समझते हैं कि आप इतना जानते हैं, ये जो भ्रम आपने चारों तरफ फैला रखा है कि आप बहुत ज्ञानी हैं और बहुत कुछ जानते हैं, ये जो अहंकार है यही आपको गुरु के पास जाने से रोकता है, क्योंकि गुरु आपका गुरूर को तोड़ता है और आप गुरूर को ही मानते हैं कि आप हैं। उसको आत्मसम्मान के नाम दे सकते हैं अहंकार को। ये सब बचाने के तरीके हैं अपने आप को, अपने अहंकार को बचाने के लिए कहते हैं कि हम अस्मिता आत्मसम्मान की बातें करते हैं, जो कि एक खोल है, एक आवरण है। वस्तुतः आप अहंकारी हैं, हम सब अहंकारी हैं, अहंकार से ही हम जिंदगी जीते हैं, अहंकार ही हमारी ऊर्जा बनती है, अहंकार ही हमें काम करने को प्रेरित करती है, अहंकार ही हमको धनी बनने के लिए, प्रसिद्ध बनने के लिए, नाम कमाने के लिए, पद पदवी पाने के लिए प्रेरित करती है, उकसाती है, धकेलती है। जितना ज्यादा पैसा, जितना ज्यादा सम्मान, जितना ज्यादा पद बड़ा, मैं उतना बड़ा, अहंकार उतना बड़ा एक्चुअली। तो श्री गुरु चरण सरोज रज मिलेगा कैसे? आप तो गुरु के पास पहुंचने को तैयार ही नहीं है, आप तो गुरु के पास शरणागति होने को तैयार ही नहीं है, आप तो अपने आप को ही माने हुए हैं। आपके मन का जो मुकुर है, जिसको हम साफ करने की बात कर रहे हैं, निज मन मुकुर सुधार, ये मन का मिरर को साफ करने के, जो टेढ़ा हो रखा है उसको सीधा रखने के, ये तरीके के बारे में पहले जानना जरूरी है। हम हमारे अंदर जो आप खुद हैं उसके बारे में समझना बहुत जरूरी है, तभी आप अपने आप को सुधार सकते हैं। आप अभी तो आपको, आप जैसे हैं समझते हैं का सुधरे हुए, खाली आपको सब में दूसरों में खोट दिखाई पड़ती है, बाकी दूसरे गलत हैं लेकिन आप गलत नहीं है, ये बात तो तय है। मैं पढ़ रहा था एक साधक के बारे में, उनका नाम है रिंझाई। रिंझाई अपने गुरु के पास गए और कहे कि मुझे मुक्त करें, जैसे शायद ये सोचते होंगे इस प्रकार से कि निज मन मुकुर सुधार, मैं अपने आप को सुधार लूं, जान लूं। इस प्रकार से रिंझाई अपने गुरु के पास गए, कहे कि मैं अपने आप को जानना चाहता हूं, अपने आप को इस दुनिया की ये माया जाल से मुक्त करना चाहता हूं, मैं क्या करूं, मुझे आप मुक्त कर दें। तो उनके गुरु ने कहा कि आप जाके ध्यान कीजिए, जानिए आप कौन है, अपने आप से पूछिए कि मैं कौन हूं, हु एम आई, आस्क योरसेल्फ, पूछिए। रिंझाई गए, कोई महीनों के बाद लौट के गुरु के पास आए और कहा कि मैं ये जान चुका हूं कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये शरीर, आई एम नॉट द बॉडी, मैं ये शरीर नहीं हूं। तब गुरु ने कहा कि तुम आधा जान चुके हो अपने बारे में, जाओ और तपस्या करो, मेडिटेशन करो, ध्यान करो। रिंझाई चले गए और उसके बाद कुछ महीनों बाद फिर आए लौटकर, और उन्हें कहा कि मैं यह जान गया हूं कि मैं मन नहीं हूं, क्योंकि मन में जो विचार चल रहे हैं उसके प्रति मैं सचेतन हूं और मैं एक दृष्टा बन चुका हूं। मैं देख रहा हूं कि मन में विचार चल रहे हैं, जैसे सागर में तरंगे चलती हैं, उस प्रकार से मन में विचार चल रहे हैं और विचारों को मैं देख पा रहा हूं, विचारों से मेरी संगति नहीं बैठती, अब विचार मुझे नहीं घेरते, विचार ना मुझे उत्तेजित कर सकते हैं, ना मुझे निराश कर सकते हैं,
ना मेरे अंदर वासना भर सकते हैं और न ही मेरे चारों तरफ माया के जार बुन सकते हैं। तो मैं ही जान गया हूं कि मैं मन नहीं हूं। तब गुरु ने कहा कि तुम तीन चौथाई जान चुके हो, एक चौथाई बची हुई है, जाओ और ध्यान करो। तो रिंझाए फिर चले निज मन मुकुर सुधार करने के लिए। और फिर कुछ सालों बाद लौट के आए और गुरु से कहा, मैं तो रहा ही नहीं, मैं तो हूं ही नहीं। कबीर कहते हैं ना कि जब तक मैं था तब तक ईश्वर नहीं थे, जब ईश्वर है तो मैं नहीं हूं। हेरत हेरत रे सखी, इसके बारे में सुना होगा आप। तो जब तक हम हैं तब तक वो नहीं, जब वो है तो हम नहीं। उसमें इतना खो जाना है कि अपने आप सुधार हो जाए। ये जो टेढ़ापन है अंदर, ये टेढ़ापन इसलिए है कि हमारी समझ टेढ़ी है हमारे बारे में और दुनिया के बारे में। लेकिन आप टेढ़े खड़े होकर भी कृष्ण की तरह यदि प्यार की बांसुरी बजा सकते हो तो संबंध बन सकता है ईश्वर से। बांसुरी एक प्रतीक है, जैसे बांसुरी में क्या कुछ इंस्ट्रूमेंट है अंदर, कुछ नहीं है, खोखली है, पोली है। इससे ही हवा जब चलती है और उंगलियां उस पर नाचते हैं, नृत्य और हवा की जो गति एक लय पैदा करती है, एक तान पैदा करती है, उसमें एक बेहोशी का आलम छाने लगता है। तो जब जब आप शून्य हो जाते हैं, आपका अहंकार खत्म हो जाता है, टेढ़ी खड़ी होकर भी कृष्ण की तरह बांसुरी जब बजाओगे तो अचानक आप पाओगे कि आप सीधे हो गए। प्रेम की रसधारा आपके अंदर बहने लगी और राधा आपके संग नाचने लगी, प्रेम रस में आप डूबने लगे। तो जो निज मन मुकुर सुधार तो अपने आप ही हो जाएगा। लेकिन ये टेढ़ा होकर बांसुरी बजाने का जो तरीका है, ये सिखाया है आपको गुरु किस प्रकार से, क्योंकि हर एक व्यक्ति अलग अलग है। गुरु का दायित्व तो होता है कि हर एक आदमी को पहचाने, उसके गुण धर्म को जाने और उन्हें उस प्रकार के मार्ग में चलने के लिए प्रेरित करें, उत्साहित करें और मार्गदर्शन करें जहां वो चल सकता है। यदि आपको एवरेस्ट की चढ़ने की तैयारी करनी है तो आप एक दिन में नहीं चढ़ जाएंगे। उसके पहले आपको शारीरिक शक्ति का, सांस लेने का और पर्वत आरोहण से पहले जो तैयारियां होती हैं उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। उसमें महीनों लग सकते हैं, सालों लग सकते हैं। तो जैसे एक माउंटेनिंग का एक जो गाइड होता है, जो ट्रेनर होता है, जो टीचर होता है, जो जानता है, उस प्रकार से गुरु आपको इस स्पिरिचुअल पाथ में जर्नी करने के लिए आपको तैयार करता है, आपको बताता है कैसे चलना है। तो गुरु का आशीर्वाद तो चाहिए ही चाहिए, उनका चरण रस तो चाहिए ही चाहिए, उनका आशीर्वाद तो चाहिए ही चाहिए। वो जब आपको मिलेगा तभी आप अपने आप को सुधार सकते हैं, इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। इसके आगे फिर चर्चा करेंगे हम। नमस्कार, मैं संतोष शर्मा आपका दोस्त। हम चर्चा कर रहे थे हनुमान चालीसा के बारे में और ये मैं बताना चाहता हूं कि हनुमान चालीसा का संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए दोहा को समझना जरूरी है। दोहा मतलब ये जो द्वार है, हनुमान जी के मंदिर में प्रवेश करने से पहले या हनुमान जी को अपने अंतर्मन में स्वागत करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि पहले हम दोहा को समझें। दोहा को समझेंगे तो क्या तैयारी हमें करनी पड़ती है हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, उस संदर्भ में हमें ज्ञान होगा। जैसे हम बात कर रहे थे कि दोहा शुरू होता है इससे, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। इसमें ये समझ लें कि श्री गुरु का मतलब क्या है। हम बात कर रहे थे श्री गुरु का मतलब है
टीचर नहीं, शिक्षक नहीं, जो कोई तनख्वाह पे काम करने वाला इंसान नहीं, गुरु तो स्वतंत्र आत्मा है जो कि ईश्वरीय मार्ग में काफ़ी अग्रसर हो चुका है, उसको उस रास्ते के बारे में संपूर्ण ज्ञान है, इसलिए वो आपका गाइड बन सकता है गुरु। तो गुरु, जैसे हम कह रहे थे कि गुरुत्वाकर्षण में भी गुरु का नाम आता है, गुरु का मतलब भारी भी होता है, गुरु से गरिमा आती है। गुरु समझाता है कि अपने और गैर में कोई फर्क नहीं है, सब अपने हैं। गुरु उस गिरी के समान है, पर्वत के समान है, गिरी का मतलब पर्वत भी है, उस गिरी के समान है जो कि ज्ञान के आभामंडल से ढका हुआ है, उज्ज्वलित है, अपने प्रकाश से जो उज्ज्वलित है वो है गुरु। जिसने जाना है वही आपको जानने के मार्ग बता सकता है। यदि खाली गुरु पढ़ा लिखा हो और उसको भी ज्ञान नहीं हो तो आप भी पढ़ सकते हैं किताबों से, तो उसमें आपके गुरु की जरूरत नहीं है। एक कहानी कहूं आपसे मैं विवेकानंद जी के बारे में। विवेकानंद बहुत ज्ञान पिपासु थे और अनेक जगह, बहुत जगह भटके, बहुत जगह गए, बहुत गुरुओं के पास गए, वो जाके पूछते थे ईश्वर के बारे में, तो जिनसे भी मिलते थे वो गुरु उनसे ईश्वर के बारे में चर्चा करना शुरू कर देते थे। कहते थे कि ईश्वर ऐसा है, ईश्वर की शक्ति ऐसी होती है, और ईश्वर के पाने का या जानने का मार्ग क्या क्या है। तो इस चीज़ों से उन्हें संतुष्टि नहीं होती थी, क्योंकि ये चीज़ों के बारे में तो उपनिषद में, पुराणों में, गीता महागीता में, अष्टावक्र महागीता या वेदों में, या बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं, बहुत सारे स्रोत हैं जानने के लिए। और आज के ज़माने में, साइंस के ज़माने में, तो आप गूगल में जाइए और ढूंढिए, आपको हजारों और लाखों चीज़ें मिल जाती हैं इसके बारे में। लेकिन ये सब बटोरी हुई इन्फॉर्मेशन हैं, ये ज्ञान नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन है, कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन इज नॉलेज, यू नो। तो हम ये बात समझ लें कि ये जो नॉलेज, सो कॉल्ड नॉलेज है, जो कि हमें एक बोध देता है कि हम नॉलेजेबल हैं और लर्नर्ड हैं, तो ये एक भ्रांति पैदा करता है अपने समझ के बारे में। हमें लगता है कि हम जानते हैं, जैसे हम कहते हैं कि हम ईश्वर को जानते हैं। क्या सचमुच जानते हैं या मानते हैं? हम मानते हैं ईश्वर को, क्योंकि हम जानते नहीं हैं, क्योंकि जानना तो बहुत दुर्लभ कार्य है, उसके लिए साधना करनी पड़ेगी, उसके लिए समर्पण करना पड़ेगा, अपने अहंकार को तोड़ना पड़ेगा। तो जानना और मानने में बहुत फर्क है। मानना एक सिंपल सा तरीका है कि इसमें कोई परिश्रम करने नहीं पड़ती, हाँ हाँ मानते हैं ऐसा, लेकिन जानने के लिए आपको होनी पड़ती है जिज्ञासु। आप जानते हैं कि जानने की प्रक्रिया के लिए तीन तल हैं, जैसे कुतूहली, कुतूहल, जैसे बच्चे होते हैं पूछते हैं ये चांद क्या है, ये तारे क्या हैं, ये वृक्ष ऐसा क्यों है, ये चीज़ ऐसा क्यों घट रही है, यू नो। सो बच्चों के पास बहुत सारे सवाल होते हैं, वो हरदम पूछते रहते हैं और आपको बोलना पड़ता है कि चुप हो जाओ बस आप, ये कुतूहली दिमाग का लक्षण है। तो यदि आप प्रौढ़ भी हो गए हों, बड़े भी हो गए हों, लेकिन यदि आपके मन में केवल इस प्रकार के प्रश्न ही प्रश्न उठते रहते हैं, तो आप जानिए कि आप कुतूहली हैं। जैसे बच्चों को आप कुछ भी बता दें और उसको मान लेता है, उसको आगे सवाल नहीं करता है या दूसरा सवाल पे निकल जाता है, वो आपसे एक सवाल पूछता है कि ये चांद क्या है, कहाँ से आया है चांद, मानिए, वो ये तारे जो दिख रहे हैं आकाश में ये क्यों टिमटिमा रहे हैं, क्यों ऐसे दिख रहे हैं। यदि आपको उसका उत्तर पता नहीं है तो आप बात को टाल के दूसरे उसको मन को ले जा सकते हैं, बोलते हैं कि देखो बेटा अभी जो आपको चॉकलेट मिलेगी, आपको दो चॉकलेट मिलेगी कि पांच चॉकलेट मिलेगी, आप क्या लोगे। अब बच्चे का मन जो है वो चांद और तारों से निकलकर चॉकलेट में आ जाता है। तो जो नकली गुरु होते हैं ये आपको मन को यहाँ वहाँ भटकाते रहते हैं, और आप सवाल पे सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन आप सवाल पूछने में आपकी नियत में वो गंभीरता भी नहीं है
और सवाल का उत्तर आपको मिले या न मिले उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप तो सवाल इसलिए पूछते हैं कि जो ग्रुप कुछ बैठे हुए हैं उनको लगे कि आप बड़े ज्ञान पिपासु हैं और आप जानने की इच्छा रखते हैं, और लगेंगे आप लोगों को सोचेंगे कि आप बड़े धार्मिक हैं और आपको ज्ञान है। तो ये लोगों को दिखाने के लिए, ये अपने मन को समझाने के लिए प्रश्न पूछना, ये एक आदत सी बन जाती है। जैसे आप अपने जो सो कॉल्ड गुरु धर्म गुरु आते हैं, आप प्रवचन चल रहा है, कुछ आप सवाल कुछ पूछ लेते हैं, वो उत्तर देने शुरू कर देते हैं, तो आपका मन तो उत्तर सुनने में होता ही नहीं है। आपका मन तैयारी करने लगता है कि दूसरा सवाल मैं क्या करूं, तीसरा सवाल मैं क्या करूं। तो ऐसे सवालों की मैं झड़ी लगा दूं कि लोग सोचे मुझे कि मुझे बहुत ज्ञान है और मुझे ज्ञान की बहुत बड़ी प्यास है। ये आप लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं, लोगों को समझाना चाहते हैं कि आप कितने ज्ञानी हैं, कितना जानते हैं, इसलिए आप इतने सवाल कर सकते हैं। लेकिन सवालिया मन जो होता है, ये भ्रमित मन है, ये दिग्भ्रष्ट मन है, इसमें कोई ठोस पर नहीं है, ये कुतूहली मस्तिष्क है। तो ये तो होता है कुतूहली। दूसरों कुछ लोग होते हैं जो प्रश्न पूछते हैं क्योंकि वो जिज्ञासु होते हैं, तो जिज्ञासा होती है उसमें थोड़ा ठोसपन है, वो जानना चाहते हैं कि जिंदगी क्या है, दुख का कारण क्या है, ईश्वर क्या है, योग क्या है, पूछते हैं और इसमें कुछ अमल लाने की भी कोशिश भी करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें कुछ सीरियसनेस है और इसको जो ज्ञान ये आहरण करेंगे इसमें कुछ कुछ काम ये लोग कुछ करेंगे। लेकिन और एक भी एक स्थिति होती है जिसे कहते हैं मुमूर्षु। मुमूर्षु का मतलब है कि इसका उत्तर मुझे सही ढंग से पूरा ना मिले तो मैं मर जाऊं। ये प्यास, ये जानने की जिज्ञासा, ये लेके विवेकानंद भटक रहे थे, घूम रहे थे, विभिन्न गुरु के पास जा जाकर सवाल पूछ रहे थे, सवाल खड़े कर रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे। आखिर में वो पहुंचे रामकृष्ण परमहंस के पास में, जो कि एक सिद्ध थे, जो कि एक ज्ञानी थे, जो कि परम गुरु थे, जिन्हें आभास था, जिन्हें अनुभव था ईश्वर की। जब उनके पास पहुंचे उन्होंने कहा कि मैं यहाँ ईश्वर के बारे में जानने के लिए आया हूं, तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, तू जानने को आया है या तू ईश्वर को देखना चाहता है, बता। तू ईश्वर को देखना चाहता है तो बैठ मेरे पास, मैं दिखाता हूं तुझे ईश्वर को। उनकी वाणी में जो गंभीरता थी, जो ओज था, जो आत्मविश्वास था, ये विवेकानंद को एकदम प्रभावित कर गया और वहीं बैठ गए, वहीं रुक गए रामकृष्ण परमहंस के पास में। तो ऐसे गुरुओं की खोज करनी पड़ती है। बुद्ध देव ने तो कितने गुरुओं की खोज की, कितने गुरुओं के पास गए, और पुराने जमाने में तो गुरु तो बहुत ही सिंसियर हुआ करते थे। वो आप बुद्ध को बताते थे कि इतना इतना मैं जानता हूं, ये सब प्रयोग करो, ये सब जानो। जब बुद्ध उसको कर लेते थे उन चीजों को, तब बोलते थे कि मेरे पास तो इतना ही ज्ञान था, आप आगे जाइए और किसी गुरु के पास जाइए और कुछ सीखिए। लेकिन आज देखते हैं आज के जमाने में, यदि आप किसी धर्म गुरु के संसर्ग में आते हैं, उनके ग्रुप से जुड़ते हैं, तो कभी नहीं चाहते हैं कि आप और किसी के पास जाए, उसको तो बोलते हैं कि ये गुरुद्रोही है। पुराने जमाने में ऐसा नहीं होता था, लोग ज्ञान की कदर करते थे, वो सच्चा ज्ञान बांटना चाहते थे, विद्यादान महादान समझकर लोगों को देना चाहते थे, और जो ज्ञान के पिपासु होते थे, जो मुमूर्षु होते थे, इस ज्ञान को प्राप्त ही करते थे गुरु से। तो कहीं यहां वहां भटक मत जाना गुरुओं के चक्कर में, पहचान जरूर करना, परख जरूर करना, क्योंकि आप अपने आप को सरेंडर करने वाले हो, समर्पण करने वाले हो, उसके लिए गंभीर श्रद्धा और विश्वास चाहिए। सम्मान की बात नहीं कर रहा हूं, देखिए सम्मान आप उसका करते हैं जिससे आपका मन का कुछ तालमेल बैठता है, वो जो कहता है, जो आपके हिसाब से वो आपको सही लगता है, तो उसको आप सम्मान करते हैं। लेकिन यदि गुरु ऐसी कोई बात कहे जो कि आपके मन को नहीं भाता हो और आपके मन के समझ के अनुकूल नहीं हो, फिर भी उसको आप स्वीकार करते हैं, उसके लिए गंभीर श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा अविश्वास नहीं करता, श्रद्धा क्वेश्चन नहीं करता, प्रश्न नहीं उठाता, संशय नहीं उठाता, बस ग्रहण करता है। क्योंकि संशय जैसे मन में आता है तो
ज्ञान का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। इस बात को समझिए आप, जैसे गीता में कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, संशय आत्मा विनश्यन्ति, मतलब जिसके आत्मा में संशय है उसका विनाश होना ही है। विनाश होना ही का मतलब यह हुआ कि उसका अधोपतन होगा। संशय आते ही कनेक्शन खत्म हो जाते हैं। जैसे पत्नी पति पति और पत्नी में एक संबंध है, अब पति यदि पत्नी पे संशय करे, पत्नी पति पे संशय करे, पिता पुत्र पे संशय करे, पुत्र पति पे पिता पे संशय करे, तो संशय संबंधों में आने से भी संबंध तुरंत खत्म हो जाते हैं। डाउट, ए डाउटिंग माइंड कैन डिस्ट्रॉय ऑल काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स, यू नो दैट, यू हैव एक्सपीरियंस दैट। तो संशय को हटाकर गंभीर श्रद्धा के साथ में समर्पण के भाव से जिस व्यक्ति के प्रति आप झुकते हैं और जिससे संबंध स्थापित करते हैं, एक आत्मा के संबंध स्थापित करते हैं, वो ही आपका गुरु हो सकता है। जैसा मैं कहा कि आप शिष्य बनने के काबिल बनिए, शिष्य बनने के जब काबिलियत आप में आ जाएगी तो आपके सामने एक गुरु प्रकट होगा, ये संसार का नियम है, और आप तुरंत जान जाएंगे कि यही मेरा गुरु है। गुरु का कोई रूपरेखा दाढ़ी मूछ बढ़ा लेने से, बाल बढ़ा लेने से, या कोई गरीब वस्त्र धारण कर लेने से कोई गुरु नहीं होता, उससे गुरु का कोई संबंध नहीं है। गुरु का संबंध ज्ञान से है। तो ऐसे कोई गुरु आपको मिल जाए और उनका आपको आशीर्वाद प्राप्त हो जाए और उनके चरण रज जो कि सरोज के समान, कमल के समान, लोटस फीट, उसके शरण में जाते हैं और उनका चरण रज जब अपने माथे पर लगाते हैं, यहां जो आपका थर्ड आई है, ज्ञान चक्षु है, यहां जब आप अपना सर उनके चरणों में रखते हैं तो होता क्या है? होता यह है कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर के चारों तरफ एक ऑरिक बॉडी है, इसको कहते हैं एक वैद्युतिक आवरण, एक इलेक्ट्रिकल बॉडी जो कि समग्र विश्व से जुड़ा हुआ है, एनर्जी फील्ड जो पूरी समग्र यूनिवर्स में है उससे जुड़ा हुआ है, और इस ऑरिक बॉडी से, इस इलेक्ट्रिकल बॉडी से हमारा ये पार्थिव शरीर जो है, फिजिकल बॉडी जो है, सात जगह से जुड़ा हुआ है जिसको हम कहते हैं सात चक्र। इन चक्रों के बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे, ऑरा के बारे में विशेष चर्चा आगे करेंगे, लेकिन अभी इतना ही समझ लें कि हमारा जो कनेक्शन है ऐश्वर्य शक्ति के साथ में, जो हमारा कनेक्शन है, ये वैद्युतिक जो हमारा शरीर ऑरा है, ये हमारे फिजिकल बॉडी से सात जगह से जुड़ा हुआ है जिससे हम एनर्जी ग्रहण करते हैं। तो जो हमारा थर्ड आई है जिसको हम कहते हैं ज्ञान चक्षु, तृतीय नेत्र कहते हैं, जिसका तृतीय नेत्र, थर्ड आई एक्टिवेटेड होता है, बैलेंस होता है, उसे हम कहते हैं विजनरी, संपूर्ण विश्व को समझ सकता है, बहुत आगे तक देख सकता है। जो आदमी बहुत बड़ी प्लानिंग कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बड़े बड़े राष्ट्र नेता होते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, उनके ज्ञान चक्षु सक्षम होता है, इसलिए बहुत बड़ी चीजें सोच सकते हैं और उसको अमल में ला सकते हैं, कर सकते हैं। तो जब अपना माथा आप गुरु के चरणों में टिकाते हैं, जो चरण में जो अंगूठा है, जब गुरु बैठते हैं दोनों पैर जुड़े हुए होते हैं, कमल का रूप होता है, वहां जब अपना माथा लगाते हैं, क्योंकि जो अंगूठे हैं वहां से 72,000 नाड़ी, मतलब एनर्जी चैनल्स, साइकिक एनर्जी चैनल्स जिसे हम कहते हैं, जो कि आपके ये जो इलेक्ट्रिकल बॉडी है, ऑरा है, उसके पार्ट है, इस शरीर के फिजिकल बॉडी के पार्ट नहीं है। आप यदि शरीर को काटेंगे तो आपके 72,000 नाड़ी की दर्शन नहीं होंगे, ये आपके ऑरिक बॉडी के पार्ट है जहां की ये समग्र चेतना की शक्ति प्रभावित होती रहती है। तो ये निकलती है वो अंगूठे से, इसलिए जब कोई मर जाता है तो सबसे पहले अंगूठों को बांध दिया जाता है, डिसिपेट द न्यूट्रलाइज द एनर्जी, इन यांग पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ दिया जाता है टू न्यूट्रलाइज एंड मेक इट डिफंक्ट, जो भी रेसिजुअल एनर्जी बॉडी में होता है मौत के बाद उसको डिफंक्ट करने के लिए उसको दोनों अंगूठों को जोड़ के बांध दिया जाता है। तो ये अंगूठे से ही 72,000 नाड़ियां निकलती हैं, वो उद्गम स्रोत है,
वो उसी से ही जब आप अपने माथे गुरु के चरण में लगाते हैं तो ये आपके थर्ड आई में ये एनर्जी डाउनलोड होती है और आपके शरीर में प्रभावित होने लगती है, इसलिए आपको ज्ञान का उदय होता है। इसे कहते हैं कि गुरु कृपा, गुरु के शरण में जाइए, इसका मतलब यही है। तो जब गुरु के शरण में जाएंगे और आपका ये थर्ड आई जो पिनियल ग्लैंड है, माथा है, आपके चरण में रखेंगे, तो गुरु की शक्ति उस रास्ते से आपके अंदर में प्रवेश करेगी। तो उस श्री गुरु चरण सरोज नज निज मनु मुकुर सुधार, हम बात कर रहे थे कि अपना मन का जो दर्पण है उसको ठीक करने में, सुधारने में मददगार साबित होती है। ये मन का दर्पण क्या है? मन का दर्पण के बारे में पातंजलि योग सूत्र में भी इसका विवरण आता है कि समग्र कायनात, समग्र सृष्टि प्रतिबिंब है, हमारा मन का प्रतिबिंब है। मन है क्या? मन सुधार, मन है क्या? चित्त, ये कहां से आया? जो हमारा पुरुष है, मतलब जो पुरुष और प्रकृति से चित्त का निर्माण होता है। पुरुष का मतलब हुआ पूर्व, मतलब ये शहर कानपुर, नागपुर, संबलपुर। पूर्व का मतलब शहर, निवास स्थली। तो इस पूर्व में जो ईश, ईश मतलब भगवान, ईश्वर, दो आत्मा जो कि परमात्मा का अंश है, जो विराजमान रहती है, होती है। तो ये जो पुरुष है, जो आत्मा है, जब प्रकृति के संबंध में आती है, प्रकृति मतलब ये देह जो पंचभूत से बना है, पृथ्वी तत्व इसमें है, अग्नि तत्व है, जल तत्व है, आकाश तत्व है, वायु तत्व है। तो ये जो पांचों तत्वों से शरीर का बनता है, तो पांच तत्व इकट्ठे हो जाने से प्राण, मतलब आप जीवित नहीं हो जाते हैं। ये पंच तत्व जब संसर्ग में आता है, संश्लिष्ट होता है आत्मा से जो पुरुष है, तो तब मन का उदय होता है, चित्त का उदय होता है। आत्मा चित्त और मन के माध्यम से समग्र संसार को देखती है, समग्र संसार इससे प्रतिफलित होता है। जिस चारों तरफ चीजें हैं, वस्तुएं हैं, चांद है, तारे हैं, वृक्ष हैं, सुंदर नारियां हैं, कितनी सुंदर चीजें हैं, तो ये चीजों का जो देखने से प्रतिबिंब फलित होता है, जैसे हमारी आंखों से चीजों का प्रतिबिंब फलित होता है तब हम देख पाते हैं, वैसे ही मन में जो कि एक मिरर के समान है, एक दर्पण के समान है, चीजें प्रतिफलित होती हैं। वस्तुओं में कोई सुख दुख नहीं है। जैसे आप सुखी हैं तो चारों तरफ आपको सब कुछ अच्छा लगता है, वही पेड़ पौधे, गाय घोड़े, कुत्ते, कोई आदमी, कूड़ा करकट, आप आनंदित हैं तो सब कुछ अच्छा लगता है। यदि आप विषादग्रस्त हैं, आप दुखी हैं, तो आपको हर एक चीज अच्छा नहीं लगता, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो आपके मन के हिसाब से चीजें अच्छी या बुरी लगती हैं, चीज अच्छी बुरी नहीं होती हैं। तो आपका जो मिरर है, जो दर्पण है, उसमें किस प्रकार का प्रतिबिंबन होता है, किस प्रकार का रिफ्लेक्शन उसमें होता है, उसके हिसाब से तय होता है गुणवत्ता चीजों के बारे में, चीज अच्छी है या बुरी है। आपके लिए शराब घृणा का विषय है और किसी के लिए बहुत प्यारा है। आपके लिए धन संपदा कूड़ा करकट है, किसके लिए बहुत प्यारा है। आपके लिए पद पद भी तुच्छ है, किसके लिए पद पद भी ही जिंदगी है। तो ये जो मिरर है, इसकी जो प्रोग्रामिंग है, इसमें जो संस्कार है वो प्रोग्रामिंग है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो आप जन्मों जन्मों से इकट्ठा करते हुए वो संस्कार लेके पैदा हुए हैं इस जन्म में, तो आपके मिरर लेके पैदा हुए हैं। तो उसके प्रकार से आप चीजों को देखते हैं और समझते हैं और परखते हैं और जानते हैं, अनुभव करते हैं। तो ये मिरर में जो प्रतिफलन हो रहा है, ये मन उसको अपने ढंग से उसको दिखा रहा है आपको, जैसे टेलीविजन को स्क्रीन है दिखा रहा है,
लेकिन देखने वाला और कोई है, देखने वाला आप हैं, आपकी आत्मा है। लेकिन क्योंकि आप मन से इतने जुड़े हुए हैं तो आप मन को समझते हैं कि आप खुद हैं। मन और आपके बीच में कोई स्पेस ही नहीं है, ये बात को समझिए। तो जब ये स्पेस नहीं है, जब एकदम पास में हो जाते हैं, जैसे आप मिरर के एकदम पास अपने चेहरे को ऐसे ले आए, आप अपने आपको देख नहीं सकते, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जब बहुत पास में होते हैं, हम देख नहीं पाते हैं, वो समझते हैं कि मैं ही वही हूं। तो मन के साथ आप इतने तादात्म्य पैदा कर लेते हैं कि जो मन में जो सुख और दुख घट रहे हैं उसको अपना सुख और दुख आप मानने लगते हैं। तो ये जो मन का मिरर है, ये जो दर्पण है, जो मुकुर है, मन का मुकुर है, इसमें ये जो विभ्रांतियां वगैरह हैं, ये जो कन्फ्यूजन्स हैं, और ये मन का मुकुर को अपना खुद मान लेना, जैसे दर्पण में अपने आप को देख रहा हूं और दर्पण में प्रतिबिंब को मैं मान लू कि मैं वो हूं, क्या वो सत्य है, असत्य है, क्या वो सही है, नहीं। तो ये भेद करना, ये समझना कि जो सुख दुख की जो छाया चल रहा है मन में, ये मैं नहीं हूं, ये मिरर के कारण हो रहा है, ये जो कंफ्यूजन पैदा हो रहा है, अलग अलग रूप दिखाई पड़ रहे हैं और उसमें आप उलझ जाते हैं और आप ये तय नहीं कर पाते हैं कि आपका स्वरूप है क्या। तो जब आपका निज मन मुकुर सुधार हो जाएगा, मतलब आपका मन का जो दर्पण है, मिरर है, उसमें एक बैलेंसिंग आ जाएगी और आप समझ जाएंगे, वो सुधर जाएगा, तो क्या होगा, तब आपके अंदर में ज्ञान का उदय होगा। आपको चीजें समझ में आने लगेगी, आपको ये समझ में आने लगेगा कि आप जो हैं, ये जो आप अपने आप को समझते हैं, आप वो है नहीं। जैसे आप एक हिंदू घर में पैदा हुए, अपने आप को हिंदू मानते हैं, आपका नाम रख दिया गया कि प्रकाश श्रीवास्तव मनोज शर्मा, आप अपने आप को मनोज शर्मा मानते हैं या वो प्रकाश श्रीवास्तव अपने आप को मानते हैं। एक नाम आपको दिया गया, एक धर्म आपको दिया गया, एक बाह्य संस्कार आपको दिया गया, विच यू टॉक अबाउट जेनेटिक फैक्टर्स। आप स्कूल में जाते हैं, आपको वहां एक प्रकार का शिक्षा दिया गया। तो ये बाह्य जगत का जो इतने इंप्रेशंस हैं आपके ऊपर पड़ते हैं, तो आप अपने आप को समझ लेते हैं कि आप वही हैं। यदि आपसे आपका नाम, आपका पद, आपका धर्म, आपकी राष्ट्रीयता, आपके माता पिता का नाम, और अब जो आप जो काम करते हैं, जैसे आप कोई वाइस प्रेसिडेंट हैं या कोई आप शिक्षक हैं या पायलट हैं, ये आपका कर्म, ये जो पहचान आपने एंटिटी बना रखी है, खूबसूरत एंटिटी, इनको यदि आपसे छीन लिया जाए, मानिए अब भूल जाते हैं, मानिए तो क्या होने वाला है, आप कौन है। इसको हम हिंदू दर्शन में कहते हैं नेति नेति। जैसे मैं जैन नहीं हूं, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं एमए पीएचडी नहीं हूं, मैं मनोज शर्मा नहीं हूं, मैं पायलट नहीं हूं, अब आप क्या हैं, आप पति नहीं है, आप पति नहीं थे पहले, शादी से पहले आप पति नहीं है, आप पुत्र या पुत्री नहीं है, पैदा होने से पहले आप पुत्र पुत्र नहीं थे, आप वो भी नहीं है, आप है कौन। ये जो चारों तरफ आवरण ओढ़ रखा है, ये जो मन के मुकुर में, जो दर्पण में, जो आप प्रतिबिंब का जो खेल चल रहा है, जैसे आप मूवी थिएटर में देखने जाते हैं, पर्दे में खेल चलता रहता है, पीछे से रोशनी आ रही है और साउंड आ रहा है, खेल चल रहा है, और आप उसमें सुखी भी हो रहे हैं, दुखी भी हो रहे हैं, एक्साइटेड भी हो रहे हैं, रो भी रहे हैं देख देख कर। तो ऐसे ही खेल मन का जो चल रहा है आपके अंदर में, उसको आपकी आत्मा देख रही है, आप देख रहे हैं, और उसी में आप इतने मोहित हो चुके हैं कि ऐसे सिनेमा घर में आप रोते हैं या हंसते हैं, उसी प्रकार से अपने जिंदगी में भी आप हंसते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, लेकिन खेल चल रहा है। यदि ये खेल को बंद कर दिया जाए, स्विच ऑफ कर दिया जाए, तो ये जो मुकुर है, जो प्रतिबिंब गिर रहा है, ये खत्म हो जाएगा। जैसे ये खत्म हो जाएगा, तुरंत आप पाएंगे कि उसमें ईश्वर की छाया प्रतिफलित होना शुरू हो जाएगी।
और क्योंकि आप ईश्वर के पुत्र हैं, परमात्मा का अंश हैं, आपको अपनी छाया वहां दिखाई पड़ेगी और आप अपने आप को देख सकेंगे, अपने स्वरूप को पहचान सकेंगे, तब होगा वो मुकुर सुधार। तो श्री गुरु के आशीर्वाद से जब आपका मन का मुकुर सुधर जाएगा, प्रतिबिंब सब मिट जाएंगी और अपने स्वरूप को आप पहचान लेंगे, तो क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि आप अपने आप को पाएंगे कि आप समग्र चेतना से, समग्र जगत से जुड़े हुए हैं, आप अलग नहीं हैं। जैसे एक समुद्र की लहर है, सोचती है कि मैं लहर अलग हूं, क्या लहर समुद्र से अलग है? नहीं, ये उठती है थोड़ी देर के लिए और फिर गिर जाती है। ये थोड़ी देर के लिए जो अपनी पहचान बनाते हैं, जैसे आप आइडेंटिटी बनाते हैं इस जन्म में कि आप अमुक व्यक्ति हैं, आपका नाम ये है, आप मोनिका जैन हैं या आप श्रीमती अनुराधा पटनायक हैं, कुछ भी नाम, या आप शशांक साहू हैं, नाम जो आपने, ये जो वेव है, ये जो वेव अभी उठा है, मतलब जो पैदा हुए थे और जो वेव गिर जाएगा, इस बीच में ये जो वेव उठा है, ये तरंग उठी है, ये तरंग अपनी पहचान बनाए हुई है कि मैं तरंग हूं, मैं ये अमुक व्यक्ति हूं, मैं हूं। लेकिन जब मौत आती है और जैसे कि एक तरंग समुद्र में दोबारा गिर जाती है, तब ये समुद्र बन जाता है, ये पहचान मिट जाती है, जैसे आपका पहचान मिट जाता है। जब तक आप शरीर में हैं, आपकी पहचान एक है। जिस दिन आपकी मौत हो जाती है, उसके बाद आपके शरीर को जला दिया जाता है या गाड़ दिया जाता है और आपका आत्मा पुनः विलीन हो जाती है। लेकिन क्योंकि संस्कार आपके हैं, जैसे आप मरते समय आपके मन में है कि मुझे ये सुख नहीं मिला, मुझे ये प्राप्त करना था, ये तो बच गया है, तो ये जो अधूरी इच्छा लेके आज मरते हैं, लास्ट विश एट द टाइम ऑफ डेथ जो होता है, वही आपके संस्कार बन जाते हैं, फिर आप दोबारा पैदा होते हैं उन चीज़ों को भोगने के लिए, प्राप्त करने के लिए। तो जब आपका मन का मुकुर मिरर जब इन इच्छाओं से, इन डिजायर से मुक्त हो जाता है और ये खेल खत्म हो जाता है, आप समझ जाते हैं, मौत से पहले आप जग जाते हैं, आप जान जाते हैं कि ये जो खेल चल रहा है, इसका मैं हिस्सेदार नहीं हूं, मैं इसको देख रहा हूं। ये साक्षी भाव जब पैदा आपका होने अंदर शुरू हो जाता है, दृष्टा का भाव पैदा होना शुरू हो जाता है, तभी हम कहें कि आपका मन का जो मिरर है, जो दर्पण है, वो साफ हो गया या क्लीन हो गया। हनुमान चालीसा के दोहे के संबंध में हमने दो लाइनों पर पहले चर्चा की थी, जो कि ये था, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। इसके संबंध में हमने चर्चा की, जिसका मतलब ये था कि गुरु के आशीर्वाद से, उनके सानिध्य से, उनके संग से, जिसे हम सत्संग कहते हैं, और उनके आशीर्वाद से हम अपने मन के दर्पण पे छाए विकारों को या कन्फ्यूजन्स को दूर करें और अपने मन के जो अशुद्धियां हैं, मन के दर्पण पे जो अशुद्धियां हैं, उसको साफ करें। वो करने के बाद में हम आगे बढ़ते हुए हम क्या करेंगे, वरणौ रघुबर बिमल जस। वरण करना मतलब वेलकम करना, ये वेलकम करना कि ईश्वर की जो करुणा है, ईश्वर की जो शक्ति है, उनका जो आभा मंडल है, जो पॉजिटिव एनर्जी का स्रोत है, उसको वेलकम करना। वेलकम करने का मतलब है कि वरण करना, यू नो, आप वरण का मतलब जानते हैं, जैसे स्वयंवर होता था पहले, तो कन्या वर को वरण करती है,
वर्ण करने का मतलब सम्मान पूर्वक आदर पूर्वक अभ्यर्थना करना और अपने पास बुलाना, उसको ग्रहण करना। तो वर्णो रघुवर, रघुवर मतलब श्री रामचंद्र जो कि मर्यादा पुरुष थे और जिसको हम एक आदर्श मानते हैं हिंदू संस्कृति में, हिंदू धर्म में। तो उस शक्ति को आह्वान करना, रघुवर एक नाम हो सकता है, उस शक्तिपुंज का नाम हो सकता है। इसको हम कृष्ण को भी स्वागत कर सकते हैं, जीसस को भी स्वागत कर सकते हैं, मोहम्मद को भी स्वागत कर सकते हैं, दुर्गा को भी स्वागत कर सकते हैं, किसी की शक्ति को भी जिसमें हमारी श्रद्धा और विश्वास है। उस शक्तियों का वर्णन करना, उनको वेलकम करना, क्योंकि आप जैसे जिन शक्तियों के बारे में सोचते हैं वो शक्तियां आपके साथ आके मिलने लगती हैं, एक फ्रिक्वेंसी सेटअप होने लगता है। जैसे आपको रेडियो सुनना चाहते हैं तो आप एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को ट्यून करते हैं, तो ऐसे अलग अलग शक्तियों की अलग अलग फ्रिक्वेंसी होती हैं, तो जो कि आपके श्रद्धा के तार से जुड़ते हैं। आपका श्रद्धा और विश्वास के तार से जुड़े हुए उस शक्ति स्रोत का वर्णन करना, इसका मतलब इतना समझिए आप। तो वर्णो रघुवर विमल यश, विमल मतलब अनकंटामिनेटेड, जो कि शुद्ध हो, पवित्र हो, नैसर्गिक हो, जिसमें कोई दोष न हो, दोष रहित हो। तो ऐसे शक्तियों के साथ संसर्ग करने से, मिलने से, सोचने से या ध्यान करने से या वर्ण करने से ऐसी शक्तियां हमारी तरफ बहने लगती हैं। इट्स लाइक इन्विटेशन, हम निमंत्रण देते हैं कि ये शक्तियां हमारे अंदर आए, उसको हम वर्ण करते हैं। ये हुआ वर्णो रघुवर विमल जस। जस मतलब द ग्लोरी, यू नो द ग्लोरी ऑफ गॉड यू कैन से। तो ये जो शक्तिपुंज को सम्मान करते हुए आप वर्ण करते हैं, तो आप वो शक्ति को आह्वान करते हैं कि आपके हृदय में आए, क्योंकि हृदय अभी आपका साफ है। जो प्रतिबिंब फलित होगा आपके हृदय के मुकुर में, मिरर में, दर्पण में, वो साफ दिखाई पड़ने लगेगा। जैसे हम चर्चा कर रहे थे, यदि कोई मिरर में धूल जमा हुआ हो, गंदगी फैली हुई हो, तो वहां चीजों का प्रतिबिंब ठीक से नहीं आएगा। जैसे आप दर्पण के सामने खड़े हुए हैं, आप जितने भी अच्छे सजे धजे हों, लेकिन यदि मिरर में गंदगी है तो अपना स्पष्ट रूप आप नहीं देख सकते हैं, स्वरूप को नहीं देख सकते हैं। तो जैसे ही दर्पण निर्मल होता है, निज मन मुख सुधार वो चीज हो जाती है गुरु की कृपा से, तो जब आप ये शक्तियों का आह्वान करते हैं, उनका जो विमल जस अनकंटामिनेटेड जो एनर्जी सोर्स है, ग्लोरी है, क्योंकि आप उसी शक्ति पुंज के ही पुत्र हैं या पुत्री हैं। ईश्वर परम पिता है तो हम भी उनके बच्चे हैं, तो हम अपने स्वरूप को उस दर्पण में देख सकते हैं, उस विमल आभा का दर्शन हम कर सकते हैं, ईश्वर को देख सकते हैं, मतलब अपने आप को देख सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ही ईश्वर छुपा हुआ है। एक सुंदर सी कहानी है, जैसे कहते हैं कि ईश्वर बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं कि मुझको ये चाहिए, मेरा ये कंप्लेंट है, मेरा वो कंप्लेंट है, मेरा वो काम करा दो, मेरा वो काम क्यों नहीं हुआ है, मैं बीमार हूं, घर में ये परेशानी है, लड़की की शादी नहीं हो रही है, लड़के की जॉब नहीं लग रहा है, मेरे प्रमोशन नहीं हो रहा है। तो आप देखेंगे कि खाली कंप्लेंट्स ही कंप्लेंट्स चारों तरफ है, और इतने अरबों खरबों लोगों का कंप्लेंट सुन सुन के भगवान त्रस्त हो गए और वो भागने लगे, सोचे कि मैं कहां छिप जाऊं, और जहां जाए वहां इंसान पहुंच जाए। तो किसी ने कहा ईश्वर से कि अब काम करो, आप ऐसी जगह छुप जाओ जहां के इंसान आपको ढूंढ ना सके। तो ईश्वर ने कहा, ये कथा है एक, ईश्वर ने कहा कि मैं कहां छुपूं। तो फिर किसी ने कहा कि अब काम करो, आप इंसानों के हृदय के अंदर ही छुप जाओ, क्योंकि इंसान तो चारों तरफ ढूंढता है, बहिर्मुखी है, चारों तरफ जैसे मन की वृत्ति होती, चित्त की वृत्ति होती है, तो हम चीजों को, सभी चीजों को बाहर खोजने की कोशिश करते हैं। जैसे सुख को हम बाहर खोजने की कोशिश करते हैं, जबकि सुख के अंदर, सुख अंदर ही है। तो ये बाहर की जो दौड़ होती है, तो इसमें हम उलझे रहते हैं। तो होगा क्या, ईश्वर जब अंदर छुपे हुए हैं तो आपके अंदर ईश्वर है। तो जो कहता हूं कि मन के मुकुर साफ हो जाने पर दर्शन होगा, तो जब आपका दर्शन होगा तो आप
के द्वारा ईश्वर का भी दर्शन होगा, इसका मतलब इतना ही है। सो रघु भीम विमल जस रघुवर का उसका वर्ण कीजिए, तो जब वर्ण करेंगे तो यह शक्ति आपके अंदर जब प्रभावित होने लगेंगे, आपके अंदर आने लगेंगे, तो होगा क्या, जो दायक फल चाहे उसका रिजल्ट क्या होगा, ये करने से रिजल्ट क्या होगा, चार फल आपको मिलेंगे। नो, ये चार फल क्या है, ये चार फल ये है कि पहला तो है काम, दूसरा है अर्थ, तीसरा है धर्म और चौथा है मोक्ष। संसार के समग्र पंथों में या समझदारी में, फिलोसफी में या सो कॉल्ड धर्म में, जिसको आप रिलीजन समझते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि धर्म है क्या, तो ये समझा जाता है कि तीन ही फल हैं जो काम, अर्थ और धर्म में समाहित है। मतलब सृष्टि, काम का मतलब सृष्टि की रचना, परिवार, अर्थ का मतलब धन संपत्ति साधन, और उसके बाद में ये सब होके आप गति करते हैं धर्म की तरफ। तो ये धर्म ही एक डेस्टिनेशन है सभी धर्मों में, लेकिन हिंदू दर्शन में जोड़ा गया है मोक्ष क्यों, मोक्ष क्यों, मोक्ष के बारे में बाकी धर्मों में इसका विवरण नहीं आता है। हम मुसलमानों भाइयों की बात करें या जैन भाइयों की बात करें, तो ये जो मोक्ष की बातें हम कर रहे हैं जिस प्रकार से हिंदू दर्शन से आता है, तो ये बौद्ध धर्म भी या जैन धर्म में भी उसको को मानते हैं कि हिंदुओं को, हिंदू धर्मों के विचारों से काफ़ी समानता होती है कुछ चीज़ों को छोड़कर। जैसे कि बुद्ध कहते हैं कि ईश्वर के बारे में चुप रहते हैं, जैसे मैंने चर्चा की थी, और लोग सोचने लगे कि वो कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, ऐसी बात नहीं है। कंट्रोवर्सी से बचने के लिए ये चीज़ों को, जो कि कोई मतलब निकलता नहीं है इन चीज़ों में व्यर्थ वाद विवाद या तर्क से बचने के लिए बुद्ध देव चुप रहते थे, कुछ कहते नहीं थे, वो भी निर्वाण की बातें करते हैं। जैन धर्म में भी हम लोग निर्वाण की बातें करते हैं। तो ये जो हिंदू धर्मों से, हिंदू दर्शन से जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं, ये परिकल्पना मोक्ष की है। जो बीच बीच में धर्म नाम का शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसके बारे में थोड़ी सी व्याख्या हम थोड़ी देर बात करेंगे, क्योंकि आप कन्फ्यूज ना हो कि धर्म जो समझते हैं वही धर्म है, इसके बारे में थोड़ी देर में चर्चा करने वाले हैं हम। मोक्ष, लिबरेशन फ्रॉम द साइक्लिक नेचर, इससे बाहर निकल जाने की, ट्रांसेंडेंटल स्टेट में चले जाने की स्थिति को मोक्ष कहते हैं। ये तभी होता है जब हम ये समझ जाते हैं कि पुरुष जो आत्मा है ये शरीर से जुड़ा हुआ है मन के माध्यम से। जब मन का दर्पण साफ हो जाता है तो ये स्पष्ट दिखाई पड़ने लगता है कि ये पंचभूतों से बना हुआ शरीर और आत्मा अलग है, एक नहीं है। जब ये समझ आ जाती है तभी मोक्ष घटित होता है। मतलब आप जब इस को समझ जाते हैं तो आप ये जो बंधन में पड़े हुए हैं, सुख दुख के चक्र में पड़े हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हुए हैं, इससे आप निकल जाते हैं। ये मोक्ष की बातें होती है। तो जो चार फल की बातें करते हैं, थोड़ा उसके ऊपर चर्चा करते हैं। काम, हमारे देश में खजुराहो में, कोणार्क में या अनेक मंदिरों में आप यदि जाएंगे तो आपको काम कला में रथ पुरुष नारी के अलग अलग चित्र या मूर्तियां बनी दिखाई पड़ेंगी। काम के प्रति पुराने समय में लोगों का समझदारी ज्यादा थी और वो काम को समझते थे कि ये सृष्टि के निर्माण के लिए, सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए एक साधन है। काम को वासना से नहीं जोड़ा जाता था, इसको एक धर्म माना जाता था कि पति पत्नी के बीच में जब कहते हैं कि ये मेरी धर्म पत्नी है, धर्म से पत्नी मानता हूं, तो उनके साथ जो आप का संभोग होता था वो संतान संतति पैदा करने के लिए
सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए एक निमित्त के रूप में एक दूसरे को इस्तेमाल करते थे या उपयोग करते थे, और ये जो सृष्टि की रचना चलती थी, आगे बढ़ती थी, तो ये जो होती थी ये बहुत समझदारी से और सोच समझ के शुभ तिथि वार समय देखकर इस समय का समय नियत होता था। ऐसा नहीं कि जब चाहे आप दिन रात खाली आप काम के बारे में, सेक्स के बारे में सोचते रहें, इस प्रकार का सोच नहीं था पहले। तो काम भी एक धर्म की एक आयाम हुआ करती थी। तो काम में सफलता होना, उससे सृष्टि का निर्माण में सहयोग करना, ये एक फल मिलता है काम। दूसरा है अर्थ। अर्थ का मतलब है कि जो भी साधन जिंदगी जीने के लिए है, उसमें आपका धन हो या आपके वो सामग्रियां हो या घर हो, कार हो, आपके बिजनेस हो, जो भी अर्थ उपार्जन के साधन होते हैं, तो ये चीजें आपको सफलतापूर्वक मिलने लगती हैं अर्थ। और ये सब होने के बाद में आपको धर्म की प्राप्ति होती है ना। और धर्म के बारे में थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे असमंजस हैं, बहुत सारे विवाद हैं कि धर्म क्या है, क्या हिंदू एक धर्म है, मुसलमान एक धर्म है, या क्रिश्चियन एक धर्म है, या बौद्ध एक धर्म है, या जैन एक धर्म है। धर्म धातु की, धर्म जो है शब्द है, ये ध्रुव धातु से निर्माण हुआ है। ध्रुव का मतलब है धारण करना, जैसे पतंजलि योग सूत्र में धारणा की बात करते हैं ना, आपका ध्यान से पहले धारणा, ध्यान से पहले धारणा, ध्यान समाधि, जैसे अष्ट मार्ग है, जैसे यम नियम आसन प्राणायाम, यू नो, और उसके बाद में ये आपका धारणा आ जाती है। तो इस प्रकार से धारणा का मतलब है कि धारण करना। क्या धारण करते हैं आप? धारण आप ये करते हैं कि सृष्टि के बारे में, ईश्वर के बारे में, जीवन के बारे में आपकी सोच क्या है, आप क्या समझते हैं, क्या सबको अपना मानते हैं आप, क्या समझते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, समग्र विश्व जो है सब एक ही परिवार के समान है, क्या आप दूसरों में अपने में भेद नहीं करते हैं, क्या आप सबके प्रति अनुकंपा रखते हैं, करुणा रखते हैं, आप क्या सबके बारे में सोचते हैं कि सब सुखी रहें, जैसे हम कहते थे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी रहे, सब निरोगी रहे, सब तरफ शांति शांति रहे दुनिया में। तो हम अंतरिक्ष की शांति की बातें भी करते थे, यूनिवर्सल पीस की बातें करते थे हम पहले। अब तो अपने मन की पीस के पीछे, शांति के पीछे ही हम पड़े हुए हैं, और हमको मन की खुद की शांति ही नहीं है। तो ये अधोगति हुई है। तो धर्म का मतलब ही हुआ कि हमारी जो धारणा है अलग अलग चीजों के बारे में, जो गलत धारणाएं हैं, क्योंकि धारणा तो सही हो ही सकती नहीं है, क्योंकि हमारी सोच में ही इतनी गलतियां हैं कि धारणा जो बनती है वो भी गलत बन जाती है, अपने बारे में, लोगों के बारे में, संबंधों के बारे में। तो ये जो अलग अलग धारणाओं से ग्रसित हम लोग हैं और भटक रहे हैं, तो इस धारणा के बारे में बात हो रही है कि धारणा आपका क्लियर हो जाए। जैसे गीता में कृष्ण कहते हैं कि सर्व धर्मान परित्यज्यम मामेकम शरणम व्रज, ये कह रहे हैं कि सर्व धर्म को त्याग कर मेरे शरण में आ जाओ। इसका मतलब ये नहीं कि आप यदि हिंदू है तो या मुसलमान है तो हिंदू बन जाएं, या क्रिश्चियन है तो हिंदू बन जाएं, या बौद्ध है तो बौद्ध धर्म को छोड़ दें, या मुसलमान भाई जो अपने धर्म को छोड़ दें और हिंदू धर्म में आ जाएं, क्योंकि कृष्ण हिंदू धर्म को बिलोंग करते थे जो हम समझते हैं। इसका मतलब ये नहीं है, धर्म का मतलब धारणा है। ये कहते हैं कि तुम्हारे गलत धारणाओं को सब त्याग करके मेरे शरण में आ जाओ, एक गुरु के रूप में कह रहे, परम गुरु के रूप में कह रहे हैं, एक ईश्वर की एक प्रतिनिधि के रूप में कृष्ण कह रहे हैं। जब कृष्ण ये कह रहे हैं, ये अपने बारे में नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं वो समग्र चेतना के बारे में कह रहे हैं कि अपने अपने गलत धारणाओं को आप त्यागो। तो धारणाओं की बात हो रही है, धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है, धारणा का मतलब है आपकी सोचने की प्रणाली, सोचने का तरीका, आपके इंटरप्रिटेशन करने का तरीका, आपकी एटीट्यूड जो है लाइफ के प्रति, उसके बारे में बात हो रही है। तो उसमें शिफ्ट होना, उसमें चेंजेस होना, उसमें क्लैरिटी आना,
हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ये कहते हैं कि ये जो फल प्राप्त होंगे, काम, अर्थ और धर्म, ये मदद करेंगे मोक्ष के लिए। मोक्ष का मतलब इतना ही है, जैसे बताया मैंने, कि ये समझना कि मैं मन नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और शरीर शरीर है, मैं आत्मा आत्मा हूँ। मैं आत्मा इस मन के दर्पण के माध्यम से इस समाज को देख रहा हूँ, और ये सुख दुख का जो प्रतिफलन हो रहा है, जो कुछ चीज़ें घट रही हैं, इन चीज़ों का मैं एक दृष्टा हूँ। जैसे दृष्टा दृष्टा बनते हैं, विटनेस बनते हैं चीज़ों के बारे में, तो आप सुख दुख के इस चक्र से बाहर निकल जाते हैं, ट्रांसेंड कर जाते हैं। इसका मतलब इतना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गुरु के आशीर्वाद से, सानिध्य से, आपका मन का जो दर्पण है वो साफ हो जाए। जब साफ हो जाए तो जो विमल यश है, जो ग्लोरी है समग्रता की, ब्रह्म की, ईश्वर की, आपकी स्वरूप की, उसमें आपका दर्शन होता है। और जैसे दर्शन होता है तो आपके लिए ये सृष्टि, ये सब साधन और ये सब जो धारणाएं, इस चीजों की समझ आपको आ जाती है और आप इस चीजों को ट्रांसेंड कर जाते हैं। तो आप सुख में ज्यादा सुखी भी नहीं होते, दुख में ज्यादा दुखी भी नहीं होते, एक स्थिति प्रज्ञा की स्थिति में आप आ जाते हैं और आप अपने प्रज्ञा में स्थित हो जाते हैं। उसको कहते हैं स्थिति प्रज्ञा, अपने ज्ञान में स्थित हो जाते हैं। तो आप सब चीज को समान भाव से देखते हैं और आप सब में अपने आप को देखते हैं और सभी को आप अपने आप में देखते हैं। तो उसमें क्या होता है, अहंकार या ईर्ष्या या जलन या उदासी, कंपैरिजंस, ये चीजें रहती नहीं है, क्योंकि सभी आपके हैं और आप सब में हैं। दूसरों के उन्नति में आप खुश होते हैं, दूसरों की समृद्धि में आपको खुशी मिलती है, आनंदित होते हैं, आप ईर्ष्या नहीं करते फिर, क्योंकि सभी आपके हैं। जैसे आपका कल बच्चा, आपका अपना बेटा या बेटी जिंदगी में कुछ अच्छी चीजें प्राप्त करे, उन्नति करे, आपको खुशी ही होगी। आपके भाई कुछ करे, आपको खुशी होगी। तो उसी प्रकार से ही जब आप अपने आप को दूसरों में देखने लगते हैं तो आप ये कंपैरिजन वगैरह से आप बाहर निकल जाते हैं, तो जिससे आपका मन निर्मल हो जाता है। जैसे विमल यश जो कि ग्लोरी, अनकंटामिनेटेड ग्लोरी था, आप उस अनकंटामिनेटेड ग्लोरी में, उस आभा मंडल में प्रवेश कर जाते हैं और आप भी एक रूप हो जाते हैं ब्रह्मा के साथ, ईश्वर के साथ। तो आप निरंतर एक शांति में स्थित हो जाते हैं। इसका मतलब ये है। आगे दोहा में और चार लाइनें हैं। बुद्धिहीन तनु जाने के सुमिरो पवन कुमार। अब ये पवन कुमार की जब बात कर रहे हैं, हनुमान जी की हम बात कर रहे हैं, उनको किस प्रकार से सुमिरन करना चाहिए, अपने आप को बुद्धिहीन तनु जाने के, अपने आप को समझिए कि आप में वो बुद्धि है नहीं। क्योंकि हम सब समझते हैं कि हमारे अंदर खूब बुद्धि है, हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, हमको सब कुछ मालूम है। ये जो भ्रम हमने चारों तरफ फैला रखा है, बना रखा है कि हमें सब कुछ मालूम है, ये जो इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर रखा है, हम जो किताबें पढ़ पढ़ के या एमए पीएचडी करके फिलोसॉफी में, या बड़े बड़े दर्शन शास्त्र पढ़कर, फिलोसॉफी पढ़कर, तर्क वितर्क में पढ़कर, ईश्वर के बारे में चर्चा करते रहते हैं या ज्ञान के बारे में बताते रहते हैं, वो हमारे अनुभव से नहीं है। ये सब सीखी हुई, सुनी हुई, पढ़ी हुई लोगों से है, लेकिन हमारा अनुभव नहीं। जैसे हम पहले चर्चा किया था कि स्विमिंग के बारे में, संतरण के बारे में किताब पढ़ के आपको संतरण नहीं आ सकता है, या फ्लाइंग के बारे में कोई किताब पढ़ के आप पायलट नहीं बन सकते हैं, आपको करना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा, तभी कहेंगे कि आपके अंदर प्रज्ञा प्रकट हुई, बुद्धि आपकी आई। अभी तो बुद्धि ही नहीं है, क्योंकि अपने आप को समझना कि मैं बहुत विद्वान हूं, ये एक तो बुद्धिहीनता का परिचायक है। तो ये जो रियलाइजेशन हो जाता है कि मुझे कुछ नहीं आता है, तो उसमें एक निष्पापपन शुरू होता है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसे 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 कोई आत्मबोध नहीं है, अहंकार का आत्मबोध नहीं है, तो उसमें वो सरल भाव से होता है। तो आप जब निष्पाप होता है, जैसे आप छोटे बच्चे की तरह हो जाते हैं, जीसस क्राइस्ट बाइबल में क्या, जीसस क्या वचन आता है बाइबल में, वो कहते हैं कि वही स्वर्ग में प्रवेश कर पाएंगे जो बच्चों जैसे होंगे। ध्यान रखिए, बच्चों जैसे होंगे, बच्चे नहीं,
बच्चों जैसे। बच्चों जैसे क्या है कि आप प्रौढ़ तो हो चुके हैं, एडल्ट तो हो चुके हैं, लेकिन आपका मन कलुषित नहीं है, निष्पाप है और सरल है, जैसे बच्चे होते हैं। तो उस प्रकार के भाव तभी आता है। तो ये बुद्धिहीन तनु जाने का मतलब है कि बीइंग इन स्टेट ऑफ इनोसेंट लाइक ए स्मॉल चाइल्ड विदाउट ईगोज एंड विदाउट दिस काइंड ऑफ इल्यूजन्स दैट यू नो एवरीथिंग इन लाइफ। ज्यादा पढ़ने से फिर ये अहंकार हो जाता है, जैसे पंडित लोग बड़े अहंकारी हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि उनको सब कुछ आता है, क्योंकि जब वो अनेक चीजों के बारे में संस्कृत में अलग अलग श्लोक बोलने लगते हैं या कोट करने लगते हैं अलग अलग चीजों को, तो लोगों को ये भ्रम पैदा होना शुरू हो जाता है कि इनको बहुत कुछ आता है। जब लोग मानने लगते हैं तो वो पंडित जन अपने आप को खुद ही ऐसे मानने लगते हैं, क्योंकि लगता है कि लोग इतना मान रहे हैं तो सही होगा, मैं शायद विद्वान ही होऊंगा। तो यही अहंकार फिर आड़े आता है सरल बनने के लिए। आप सरल नहीं बन सकते हैं क्योंकि अहंकार रोड़ा अटकाएगा आपको, ये पत्थर के समान है आपके दिल में और मस्तिष्क में। तो ये छोटे बच्चे से निष्पाप हो जाना, सरल हो जाना और अपने आप को समझना कि मुझे कुछ नहीं आता है, समझना नहीं, ये बोध होना कि मुझे नहीं आता है। जैसे हम कहते हैं, कहने से और करने में बहुत फर्क है। जैसे आप किसी के पास जाते हैं और कहते हैं कि प्रणाम करते हैं किसी से और वो आपसे पूछता है कि और आप बताइए कैसे हैं आप, तो आप कहते हैं कि जी क्या है, हम तो आपके चरणों के धूल हैं, हम तो आपकी सेवा में हैं। यदि अगला आदमी ये कह दे कि हाँ आप शायद ठीक कहते हैं, मुझे भी लगता है कि आप मेरे चरणों के धूल हैं, आप समझ सकते हैं आपकी स्थिति क्या होगी, अब कितना गुस्सा आएगा। तो हम जो कहते हैं वो जो सोचते हैं उसमें बड़ा भेद है। खाली ये कहता ना कि मैं चरणों का धूल हूं, मैं अब तो आपका दास हूं, मैं तो आपका नौकर हूं, ये सब कहने से होगा नहीं। या कोई चौपाई में पढ़ देना, कह देना है कि मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता, जैसे हम जय जगदीश सर में कह देते हैं। तो ये कहते तो है लेकिन हम मानते नहीं है, हम नहीं कहते कि मैं मूर्ख खल कामी, ये पढ़ते पढ़ते हैं लेकिन इसमें बहुत से कुछ बोलते नहीं है हम लोग। हम तो बोलते हैं हम तो बहुत अच्छे विचारों वालों हैं और मैं मूर्ख नहीं, मतलब हम तो बहुत बड़े विद्वान हैं, हमको बहुत सब कुछ आता है। वो पढ़ते हैं खाली, जैसे हनुमान चालीसा लोग पढ़ते हैं वैसे हम लोग पढ़ते हैं और बोलते रहते हैं, लिप सर्विस है, उसका मतलब कुछ है नहीं बेसिकली। तो ये जब बोध आपको आ जाए कि आप बुद्धिहीन हैं, मतलब आप निष्पाप हैं, सरल हैं चित्त के, जैसे छोटा बच्चा होता है, उस प्रकार के मन के भाव को लेकर जब आप पवन कुमार का सुमिरन करेंगे, तब आप आगे चौपाई पढ़ेंगे। सुमिरन करने का मतलब, जैसे हम चर्चा कर रहे थे, सुमिरन करने का मतलब कि जैसे सुमिरन का मतलब ये नहीं कि जब खाली जब हनुमान चालीसा पढ़ना है तब हनुमान जी को याद करना है, या अन्य किसी ईश्वर के भी बारे में बात करें, हम कहते हैं कि ईश्वर के सुमिरन की बात करते हैं, वो चाहे कृष्ण हो, राम हो, या दुर्गा हो, या जीसस हो, मोहम्मद हो, बुद्ध हो, जो भी हो जिसके बारे में आपको श्रद्धा है, उनका सुमिरन हरदम करना चाहिए। सुमिरन का मतलब ये हुआ स्मरण करना, रिमेम्बरेंस। इसका मतलब ये नहीं कि कभी कभी याद कर लिए। सुमिरन एक बहुत प्यारा शब्द है, इसका उदाहरण आपको देता हूं मैं। जैसे एक छोटा बच्चा है, पलंग में, पालकी में या कहीं सो रहा है, माँ अपने किचन में काम कर रही है, खाना बना रही है, थोड़ी सी आवाज बच्चा कहीं करेगा, तुरंत माँ को किचन में पता चल जाता है, वो आ जाती है वहां बच्चे को देखभाल करने के लिए। माँ कितनी भी गहरी नींद में सो रही हो, बच्चा थोड़ा सा भी कुनमुनाता है तो माँ अचानक जग जाती है। मन का, माँ का मन जो है हरदम बच्चे के साथ जुड़ा रहता है। तो ये जो सतत प्रवाह है मस्तिष्क के, हृदय के तालमेल का हरदम, ये भी देखा गया है कि बच्चा कहीं कितना भी दूर हो, यदि उसकी तबीयत खराब होती है तो माँ को पता चल जाता है, फोन करके पूछती है मुझे लगा कि तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं, कैसे हो बेटे, तो सचमुच ही उसका कुछ गड़बड़ हुआ होता है। तो माँ का हृदय जो है ये बच्चों से हरदम जुड़ा रहता है। सुमिरन का मतलब यही है, जैसे एक माँ बच्चे में जैसे संबंधिक होता है कि हरदम बैकग्राउंड में जो आपका ध्यान है, एट सबकॉन्शियस लेवल आप जुड़े हुए होते हैं उस व्यक्ति से,
संतान संतति से, वैसे ही पवन कुमार मतलब ईश्वर से या जिससे आपको श्रद्धा है उनसे हर समय जुड़े रहना, उनके बारे में आपके माइंड के बैकग्राउंड में ध्यान चलते रहना। आप काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन ध्यान बैकग्राउंड में चल रहा है, एक कनेक्शन बना हुआ है। तो ये चीजें अभ्यास से आ सकती है, ये चीजें शरणागति होने से आ सकती हैं, सरेंडर करने से आ सकती हैं, अवेयरनेस से ये पैदा हो सकती है। तो ये असंभव चीज नहीं है करना, कर सकते हैं। तो कि मन में हरदम उनके विचार चलते रहे, जो भी आप काम करते रहें, लेकिन एक करंट, अंडर करंट हरदम चलता रहना चाहिए। तो ये जब चलेगा, ये जो कनेक्शन बनेगा, तो क्या होने वाला है? दुआ ये कहती है, बल बुद्धि विद्या देहु मोही हरहु क्लेश विकार। इसको समझ ले, ये करने से आपको बल मिलेगा। बल का मतलब खाली शारीरिक बल, मसल्स की बातें नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं आत्मबल के बारे में बात कर रहे हैं, मनोबल के बारे में बात कर रहे हैं। बल का मतलब शक्ति, इच्छा शक्ति के बारे में, डिटर्मिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं, करेज के बारे में बात कर रहे हैं, साहस के बारे में बात कर रहे हैं, कोई बड़ी चीज सोचने की क्षमता के बारे में बात कर रहे हैं। तो बल का मतलब क्षमता भी हो जाती है, शक्ति भी हो जाती है, निर्भीकता भी हो जाती है, भयहीनता ही भी हो जाती है। तो इन चीजों की प्राप्ति आपको होती है। फिर आपको बुद्धि, जैसे आप पहले बुद्धिहीन थे, जो ट्रू नॉलेज, मतलब ट्रू नॉलेज का मतलब मैं कह रहा हूं ज्ञान से, इंफॉर्मेशन से बात नहीं कर रहा हूं। तो ज्ञान की प्राप्ति होना, उस ज्ञान से जो निचोड़ आता है बुद्धि, जिसको हम इंटेलेक्ट कहते हैं, उसकी प्राप्ति होना, सिक्स सेंस की प्राप्ति होना, ये चीजें सब आपको होने लगती है। तो आप सही गलत में भेद करने के सक्षम हो जाते हैं, सही चीजों का चुनाव करने में सक्षम हो जाते हैं, सही चीज करने की क्षमता आपके अंदर आ जाती है। बल तो आ ही चुका है, अब बुद्धि आ गई है, बुद्धि का प्रयोग आप किस प्रकार से कर सकते हैं अपने आत्मा की उत्थान के लिए, जगत कल्याण के लिए, अर्थोपार्जन के लिए, धर्म कामों में आगे बढ़ने के लिए, मोक्ष में आगे बढ़ने के लिए, ये सब बुद्धि में परिपक्वता आने लगती है। फिर विद्या, बल बुद्धि विद्या, तीन चीज की बातें यहां हो रही है। कि विद्या का मतलब हुआ ज्ञान, अविद्या की बात नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो ज्ञान हम समझते हैं, कभी कभी अविद्या के कारण जो ज्ञान समझते हैं वो हमारे जीवन में बाधक बन जाते हैं। जैसे आप शिव सूत्रों में देखेंगे तो शिव पार्वती को समझाते हुए कहते हैं एक जगह में कि ज्ञानम बंधनम, वो ज्ञान बात कर रहे हैं अविद्या के बारे में, मतलब जो हम सुन के पढ़ के जिसको हम समझ लेते हैं उसको कहते हैं अविद्या, जिसमें कि अपनी अनुभव ना हो। जैसे ईश्वर को मान लेना, जानना है विद्या, मान लेना अविद्या। कोई चीज को बिना जांचे परखे, बिना अनुभव किए चीजों को मान लेना, उसको कहते हैं अविद्या। जो चीजों को अनुभूत से जाना जाता है और जो ज्ञान अंदर से प्रभावित होती है, जो निकलती है, वो है विद्या। तो ये अज्ञान जो बातें कर रहे हैं, ज्ञान बंधनम अविद्या की बातें कर रहे हैं, वही बंधन बन जाता है जीवन में, क्योंकि हमें लगता है हम सब कुछ आता है, हम कुछ करने के प्रयास नहीं करते हैं। जब ईश्वर को मान ही लिया तो फिर जानने की जरूरत ही क्या है, ये तो बहुत सरल उपाय हो गया और एस्केपिस्ट एटीट्यूड हो गया एक्चुअली। तो ये बंधन बन जाता है। तो शिव ये भी कहते हैं कि ज्ञानम अन्नम, मतलब ज्ञान को अन्न की तरह खा जाओ। ज्ञान का मतलब ये अविद्या की बात है यहाँ हो रही है, उसको अंदर अपने आप में संभालो अन्न की तरह, उसका जो रस है, जो उसका निचोड़ है, ले लो और बाकी चीजों का आप जैसे मल त्याग करते हैं वैसे त्याग कर दो, ज्ञानम अन्नम। तो ये सब शक्ति आपके अंदर आती है। तो बल और बुद्धि और विद्या, विद्या जो आपकी आत्मा को उजागर करे, आत्मा को सचेतन करे,
आत्मा को यह बोध दिलाए कि यह शरीर नहीं है, यह मन नहीं है, तो ही हमारी स्पिरिचुअल रास्ते में प्रोग्रेस हो सकती है और हनुमान चालीसा पढ़ने से आगे हमको फल प्राप्ति हो सकती है। और ये कहते हैं कि और क्या हो सकता है, वो निवेदन भी क्या करते हैं कि हरहूं क्लेश विकार, हरण करना मतलब दूर कर देना जिंदगी से, क्या क्या दूर करना, क्लेश और विकार। क्लेश क्या है, क्लेश का दुख है, दुख का कारण क्या है, बुद्ध कहते हैं दुख जीवन दुखमय है, दुख के कारण कामना, कामना के विनाश से दुख का विनाश। ये कहते हैं कि हम जो चीजों की कामना करते हैं जीवन दुखमय है, ये तो पहले सेंटेंस में बता दिया उन्होंने बुद्ध ने, और बोलते हैं सभी दुखों का कारण है कि हम जो चीजों की कामना करते रहते हैं, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, जैसे चीज वो चीज मिलता है हमको, वो चीज फिर निष्फल हो जाता है, उसका वैल्यू खत्म हो जाती है, फिर और कुछ चाहिए, फिर और कुछ चाहिए। ये जो एक अनंत प्रवाह है चाहतों की, ये सब दुख पैदा करता है। और कहते हैं कि कामना के विनाश से दुख का विनाश, ये बुद्ध देव का समझ है। लेकिन यहां क्लेश का मतलब यदि आप समझने की कोशिश करेंगे, हम थोड़ी ध्यान दें पातंजलि योग सूत्र की तरफ। पातंजलि योग सूत्र में क्लेश शब्द का विवरण आता है। क्लेश उसको मानते हैं कि ये अविद्या जो हमें ये समझने को मजबूर करती है या हमको इस समझ में रखती है कि मैं शरीर हूं, आत्मा पंचभूत में इतनी लीन हो जाती है कि समझ नहीं पाती है कि वो अलग है, निष्पाप है, अजन्मा है, ना इसके मृत्यु है, ना इसको जरा है, ना ये मरता है, ना जन्मता है, ये चीजें। तो आत्मा को ये बोध हो नहीं पाता है और आत्मा ये सुख दुख के चक्कर में रहता है, जिससे कि ये सब प्रकार के क्लेश पैदा होते हैं। तो ये कहता है क्लेश का मतलब ये हुआ कि आत्मबोध ना होना और अपने आप को शरीर मानना, ये क्लेश का विषय है। इस प्रकार से भी इसको समझ सकते हैं आप। तो हम कहते भी है ना कि बड़े क्लेश है, ये बड़े क्लेश देते हैं मुझे, मतलब जनरली क्लेश को हम दुख से जोड़ते हैं। तो जो भी प्रकार के दुख है और दुख का कारण हम जानते हैं, आसक्ति है, दुख का कारण है कि जो मैं चाहता हूं मुझे नहीं मिला तो फिर मुझे क्रोध आता है, यू नो आप समझते हैं, चीजों के प्रति आसक्ति होना, चाहना कोई चीज को, चाहने से आसक्ति पैदा हो जाती है, आसक्ति पैदा होने से मोह पैदा हो जाता है, मोह पैदा होने से फिर वो चीज आपको जब नहीं मिलता है तो आपको क्रोध पैदा होता है और क्रोध से आत्मा का विनाश होता है। ये भगवद गीता में आता है, कृष्ण समझाते हैं। तो दुख का कारण तो हम सब समझते हैं लेकिन उसको निवारण करने के तरीके बारे में हम सोचते नहीं है। तो ये दुखों का निवारण करने के लिए एक अमोघ अचूक अस्त्र है हनुमान चालीसा, ये इसमें बताया जा रहा है। और ये क्या हरेगा, क्या दूर करेगा, विकार। विकार का मतलब जैसे ईर्ष्या है, जलन है, यू नो उदासीपन है, आत्मा का प्रकाशमान है, सुख आनंद शांति, ये हमारा जन्मगत अधिकार है। क्योंकि हम कंपैरिजन्स में पड़े हुए हैं, हम एक्सपेक्टेशन से पड़े हुए हैं, पति पत्नी से उम्मीद करता है, पत्नी पति से उम्मीद कर रही है, यू नो हम बच्चों से उम्मीद कर रहे हैं, सभी से हम खाली उम्मीदें करते रहते हैं, अपने अपने धारणाएं बना रखा है लोगों के बारे में, चीजों के बारे में, और हमें उम्मीदों में जी रहे हैं। जब अपने उम्मीद के हिसाब से अपने हिसाब से काम नहीं होता तो हमको गुस्सा आता है, हम दुखी हो जाते हैं और फिर हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में, अलग अलग फियर में जीने लगते हैं। तो ये अहंकार, ये क्रोध, ये लोभ, ये मोह, ये सभी प्रकार के विकार हैं। तो ये विकार से भी आप दूर होने लगते हैं क्योंकि आपको आत्मबोध होने लगता है। तो हनुमान चालीसा पढ़ने से आपके क्लेश और विकार भी दूर होंगे। तो ये तो जो चीजें हैं ये प्री रिक्विजाइट है, मतलब ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, और ये तो जब होगा तभी आप हनुमान चालीसा पढ़ने के अधिकारी होते हैं, बाकी चौपाई पढ़ने का अधिकारी होते हैं, और तभी आपको इसका फल भी प्राप्त होता है। संक्षेप में ये कहूं कि श्री गुरु चरण के
सेवा में अपने आप को समर्पित करना, शरणागति का भाव रखना, उसके बाद में अपने मन के दर्पण को साफ करना, साफ करने से ईश्वर के प्रतिबिंब उसमें प्रतिफलित होगा, तो आपको स्वरूप का बोध होगा और आप ईश्वरीय शक्ति की दर्शन कर सकेंगे, अपने आप को छोटे बच्चे की तरह निष्पाप और निर्मल हृदय करके हरदम ईश्वर का की तरफ ध्यान रखना। सुमिरन की बात जो कर रहे थे हम, ये करने से बल, बुद्धि, विद्या, ये सब चीजें आपको मिलेंगे, ये आप मांग भी रहे हैं। देहु मोहे, मतलब मुझे मांग, आप मांग भी रहे हैं और आपके क्लेश विकार भी दूर होंगे। तो ये सब चीजें जब आप क्लेश से, विकार से, बल, बुद्धि और विद्या से आभूषित होकर भगवान को हरदम सुमिरन करने की कला को जानते हुए, अपने अहंकार को त्यागते हुए, ईश्वरीय शक्ति का वर्णन करते हुए और अपने मन के दर्पण को साफ करते हुए गुरु के सान्निध्य में रहेंगे, तो धीरे धीरे आप हनुमान चालीसा पढ़ने के अधिकारी भी होंगे और हनुमान चालीसा पढ़ने का फल भी आपको प्राप्त होगा। तो इन चीजों को ध्यान रखें और इसके ऊपर अमल करें और अपने आप को लायक बनाएं कि आप हनुमान चालीसा को, इसको आप पढ़ सकें और पढ़ के इसके जो फल है उसका आप फायदा उठा सकें। इस वीडियो को सुनने के लिए, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको अच्छा लगा हो तो उसको शेयर करें और कुछ इसके बारे में जानना चाहते हैं, इस संदर्भ में कुछ चर्चा करना चाहते हैं तो मुझे आप संपर्क स्थापित करें। मैं विंग कमांडर संतोष शर्मा, मैं रहता हूं बेंगलोर में। मेरा नंबर है 9845124158।